प्रदेश के साथ साथ जिला हमीरपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के कारण कोविड केयर सेंटर में बढ़ रहे मरीजों की तादाद के बाद जिला प्रशासन ने अब मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में समर्पित कोविड वार्ड तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसे आगामी 15 दिनों के अंदर तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही होम आइसोलेशन में रखे जा रहे मरीजों की भी देखभाल ठीक से हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि डेडिकेटेड कोविड वार्ड में 15 मरीजों के लिए एक समय में ऑक्सीजन सुविधा मिल पाएगी तो त्वरित तौर पर इन मरीजों की देखभाल होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में कहीं पर भी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है। साथ ही आयुर्वेदिक अस्पताल में भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, ताकि आने वाले समय में ज्यादा मरीजों के आने पर समस्या का सामना न करना पड़े। संक्रमित व्यक्ति अगर वो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है, तो वो होम आइसोलेशन में ही रखे जा रहे हैं। तो हम लार्जली हमारे ज्यादातर पेशेंट्स अभी भी होम आइसोलेशन में हैं, और ज्यादातर जो है पेशेंट्स वो स्वास्थ्य उनका लगभग ठीक है, उनकी डेली मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन जहां भी जो है थोड़ी भी कहीं शिकायत आ रही है कि कहीं ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है, या बुखार ज्यादा बढ़ रहा है, या कोई भी इस तरह के जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने मानक बनाए हुए हैं उनमें अगर कोई भी थोड़ा गंभीर पाया जाता है, तो उसको तुरंत जो है डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर जो है हमारा न्यू आयुर्वेदा बिल्डिंग में हमने बनाया हुआ है, वहां पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है। उसकी कैपेसिटी हमने 45 की रखी थी, अब क्योंकि केसेस और बढ़ रहे हैं तो हमने और एडिशनल उसी के आसपास जो है ओल्ड बिल्डिंग में भी थोड़ी संख्या जो है वो बढ़ाई है बेड्स की, और 20 की कैपेसिटी और हम ऐड जो है हमने की है, और वो तुरंत जो है तुरंत प्रभाव से वो क्रियाशील कर दिए गए हैं। साथ ही में हमारे अगर किसी कारण से जो है एसिम्टोमेटिक या कम बीमार लोगों को भी किसी कारण से आइसोलेट करना पड़े एक्सीजेंसी में, यूजुअली नहीं जरूरत पड़ती, तो उनके लिए भी हमने ओल्ड जो है बिल्डिंग है आयुर्वेदा की, वहां पे 10-15 बेड्स की कैपेसिटी रखी हुई है, और साथ में जरूरत पड़ने पे तुरंत प्रभाव से जो है डीपीआरसी सलासी में पहले की तरह उसको भी क्रियाशील किया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कोविड पॉजिटिव मरीजों को सुविधा मिले, इसके लिए मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोविड पॉजिटिव मरीजों की देखभाल में कोई कमी न रह सके। उन्होंने बताया कि 15 समर्पित कोविड वार्ड से कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ पूरी सुविधा मिल सकेगी। वहीं आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की देखभाल के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए ऐसे मरीजों के लिए काम करने में जुटा हुआ है। हम आगे के दिनों में जो है अगले 10 से 15 दिनों में मेडिकल कॉलेज के कैंपस के अंदर ही 15 बेडेड जो है डेडिकेटेड कोविड वार्ड जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंटरनल ऑक्सीजन सप्लाई से वो जो है इक्विप्ड होंगी, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। और मेडिकल कॉलेज को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की इमीडिएट जो भी ऑक्सीजन सप्लाई के प्रबंध हैं, वैसे तो अभी एडिक्वेट हैं, कहीं शॉर्टेज जो है वो रिपोर्टेड नहीं है, फिर भी आगे क्या सिचुएशन के मद्देनजर जो है जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इमीडिएटली उनको पूरा कर रहे हैं।